महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के राम जनार्दन मंदिर के द्वार के सामने स्थित अक्रूरेश्वर महादेव 84 महादेवों में 39वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के समय पार्वती ने शक्ति के रूप में सभी चराचर लोक का निर्माण किया। तब सब देव किन्नर नाग गण आदि ने शक्ति की प्रदक्षिणा की और उनकी स्तुति की, केवल एक भृडिगिरिटी ने नमस्कार नहीं किया। भृडिगिरिटी पुष्कर द्वीप में जाकर उग्र तपस्या करने लगे। उनकी तप की उग्रता से यह संसार कांप उठा। तब शिवजी ब्रह्मा और विष्णु के साथ भृडिगिरिटी के पास आए और उसे समझाया कि पार्वती की पूजा करो, तब उनका श्राप दूर होगा। तब भृडिगिरिटी ने पार्वती की पूजा की और पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र तुम महाकाल वन में जाओ, वहां अंकपाद क्षेत्र के आगे एक शिवलिंग है, उसकी पूजा करने से तुम्हारी क्रूरता दूर होगी, इससे तुम्हें पुनः कैलाश की प्राप्ति होगी। बलराम और कृष्ण ने क्रूर होकर कंस और केशी राक्षस का वध किया था, उसके पश्चात वे मथुरा से यहाँ आए थे। इस लिंग की पूजा से उनकी क्रूरता दूर होकर उन्हें शांति मिली थी। तब भृडिगिरिटी महाकाल वन में गए और उन्होंने इस लिंग की पूजा की। लिंग से अर्ध नारीश्वर के रूप में शिव और पार्वती प्रकट हुए। यह रूप देखकर भृडिगिरिटी को समझ में आया कि शिव और पार्वती उनके पिता और माता हैं। वह लिंग तब से अक्रूरेश्वर कहलाया। इस अक्रूरेश्वर लिंग की पूजा करने से पाप दूर होकर सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। 84 महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।